संबोध संत गुरु रविदास जी महर्षि वाल्मीकि जी संत कबीरदास जी गुरु नानक देव जी ज्योतिबा फूले जी सावित्री बाई फूले जी फातिमा तेज जी साहू जी महाराज नारायण गुरु के रूप में जाना जाता है।
सभी से विचारधारा को देवा से संग्राम के रूप में जाना जाता है। कभी से विचारधारा को ब्राह्मणवादी विचारधारा और बुद्धवादी विचारधारा इसके रूप में जाना जाता है। कभी इसी विचारधारा को गांधीवादी विचारधारा और अंबेडकरवादी विचारधारा के रूप में जाना जाता है। तो विचार की लड़ाई चल रही है। बहुत बड़ी ताकत जिनके पास पूरे देश के संसाधन है, जिनका देश के न्यायालयों पर कब्जा है, जिसका देश के सेक्रेटरी पर कब्जा है, जिसका देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित ऊंच नीच की विचारधारा को बरकरार रखना चाहते हैं। और जिनके पास साधन नहीं है, जो गरीब है, जिनसे संयंत्र के तहत जिनको हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, हजारों साल तक व्यापार नहीं करने दिया, हजारों साल तक संपत्ति इकट्ठा नहीं करने दी, बड़े मुश्किल से 3,500 साल की गुलामी को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तोड़ा था, लेकिन अब फिर से हमारे समाज से शिक्षा को छीन लिया गया है। अब आप कहेंगे कहां छीन लिया जी, कोई भी आगे पढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, एडमिशन के टाइम पे 2-2 लाख रुपए फीस जमा करनी पड़ रही है सरकारी कॉलेज में, क्या हमारे समाज के, बहुजन समाज के, गरीब समाज के, पिछड़े वर्ग के 95% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो एक साल की एक बच्चे की 2 लाख रुपए की फीस जमा नहीं कर सकते? क्या इसको एजुकेशन छीन लेना नहीं कहेंगे? बच्चा मेहनत करके जैसे तैसे इंजीनियरिंग में सफल हो जाए और कॉलेज के 2 लाख रुपए फीस जमा करो और वो बच्चा नहीं कर पाए, मैं उसे कौन नहीं देता? और उसका बच्चा उस बाउंड्री पर पहुंच के पैसे के अभाव में फिर वापस घर बैठ जाए, क्या इसको शिक्षा को छीन लेना नहीं कहेंगे? दिल्ली के अंदर एजुकेशन में शुरू हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर तो सरकारी स्कूल बिल्कुल बर्बाद है। टीचर पर्याप्त मात्रा में है नहीं, पढ़ने का माहौल है नहीं, और प्राइवेट में पढ़ाए तो एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे को जोड़ लें तो 8 से 10 हजार रुपया एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हो तो 15 से 20 हजार रुपया केवल 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। क्या हमारे बहुजन समाज के, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के या दूसरे वर्गों के जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स मजदूर हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, क्या उन बच्चों की 15-20 हजार रुपए महीने की प्राइवेट स्कूल की फीस के खर्चे को उठाने में उनके पेरेंट्स सक्षम है? बहुत से साथी कहेंगे गौतम जी इस बात को बार बार बोलते हैं, भाई ये बताओ क्या इस समस्या का समाधान हो गया? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता ये बात मैं बार बार बोलूंगा, पूरे देश में जाकर बोलूंगा। यही बात अब से 4 दिन पहले उत्तराखंड में बोली मैंने, हरिद्वार के अंदर, यही बात कल मैंने गोवा में बोली, यही बात कल मैं गुजरात के राजकोट में बोलूंगा, यही बात पहले दिन मैं बेंगलोर में बोलूंगा, मैं पूरे देश के कोने कोने में जाकर यह बात तब तक बोलता रहूंगा जब तक समाज के लोग सरकारों की गर्दन पकड़कर सरकारों को इस चीज के लिए तैयार ना कर लें कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इलाज का खर्चा तो कम से कम सरकार उठा ले। और जो सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती, जो सरकार लोगों के इलाज का खर्चा नहीं उठा सकती, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।